सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 30 सितंबर है, दिन शुक्रवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 1480 है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आं। पंजाब विधानसभा दे खास सैशन दे दूसरे दिन कल आम आदमी पार्टी दी सरकार दे कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी दे मुद्दे ते काफी हंगामा होया। कांग्रेस ने लगातार मांग की कि सरारी नूं बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मुद्दे ते बयान जारी करन। इसे मुद्दे ते दोवां धिरां दे विच लगातार बयानबाजी हुंदी रही। अकाली दल दे विधायक चुप रहे, बीजेपी दे विधायक तां सदन दे विचों गैर हाजिर रहे। ते दूसरा मसला जिहड़ा विधानसभा दे विच गूंजिया ओह सी अनुसूचित जातियां भाईचारे दे वजीफे दे विच घपले दा मामला। इस मसले ते आम आदमी पार्टी दे विधायकां ने कांग्रसियां नूं खूब घेरिया। अगले सैशन दे विच वी हंगामा जारी रहण दी पूरी उम्मीद है। ऐतकी विधानसभा दा जिहड़ा वक्खरा रंग वेखण नूं इह मिलदा है कि सारे वड्डे लीडर ऐतकी विधानसभा दे अंदर नज़र नहीं आउंदे, बाहर तुरे फिरदे ने क्योंकि जित नहीं सके। चाहे वह सुखबीर सिंह बादल होण, बिक्रम सिंह मजीठिया होण, प्रकाश सिंह बादल जां फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी होण जां नवजोत सिंह सिद्धू, इस सारे वड्डे लीडर ऐतकी हार गए ने। सो ऐतकी तां इक्को इक विकल्प है कि जां तां घरे बहि के विधानसभा की लाइव कार्रवाई देखण जां फिर लोकां दे विच जाण। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल की गल कर लईए तां कल सुखबीर सिंह बादल लुधियाणा पहुंचे हुए सी, जिथे कहिंदे टकसाली लीडर ने सुखबीर नूं खरियां खरियां सुनाईयां ने। जिस तों बाद सुखबीर बादल ने कहा कि पार्टी दे विच टकसाली लीडर ते उन्हां दे परिवारां नूं पूरा माण सन्मान दिता जाएगा क्योंकि उन्हां दीआं कुरबानियां सदका ही पार्टी ने पंजाब च लंबा समां राज कीता है। कल गुरद्वारा दुख निवारण साहिब कंपलैक्स दे विच नगर निगम चोणां संबंधी अकाली वर्करां दे नाल रखी मीटिंग दौरान सुखबीर संबोधन कर रहे सी। टकसाली लीडर मरहूम सोहण सिंह सिब्बल दे पुत्त ते अकाली दल दे वर्कर शरणजीत सिंह सिब्बल ने सुखबीर बादल नूं मूंह ते खरियां खरियां सुनाईयां ते कहा कि अकाली दल दी मौजूदा स्थिति दे लई पार्टी दे ओ लीडर जिम्मेदार ने जिन्हां ने पिछले लंबे समय तों टकसाली लीडरां ते उन्हां दे परिवारां नूं नज़रअंदाज करी रख्या। उस तों बाद मीडिया दे नाल गलबात करदे होए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी दी सरकार ते तिखे निशाने साधे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा कमेटी विरुद्ध नज़रसानी पटीशन दायर करन दी मंग कीती है। इस संबंधी SEBC प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिखी है। इसे मुद्दे ते अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबरां दी मीटिंग भी होगी। कमेटी के मुख दफ्तर तेजा सिंह समुद्री हाल दे विच मीटिंग सदी गई है, जिस विच सारे मैंबरां दी राय ते सर्वसम्मति दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों हरियाणा कमेटी बारे लए गए फैसले के खिलाफ वड्डे पद्धर ते प्रोग्राम उलीकिया जा सकदा है। ते इसे मुद्दे ते अज श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों भी बैठक सदी गई है। चंडीगढ़ दफ्तर दे विच सारे विधायकां, साबका विधायकां, जिला लीडरां ते होर अकाली लीडरां दी मीटिंग हो रही है। सो हरियाणा कमेटी की आज़ादी के मुद्दे ते मानता के मुद्दे ते जिथे श्रोमणी अकाली दल अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी काफ़ी परेशान ने, उत्थे कमेटी के संस्थापक प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी का मैं ही प्रधान हाँ। अजिहे विच हरियाणा कमेटी की प्रधानगी नूं लैके स्थिति है जिहड़ी भंबल भूसे वाली बन गई है। झींडा ने कहा कि बीमार होण करके मैं गुरु घरां दी सेवा संभाल नहीं कर सकता सी, इस करके उहदे तों अस्तीफा दे दिता, पर उह अस्तीफा अज तक भी स्वीकार नहीं होया। इस करके कायदे मुताबिक उह आप ही कमेटी के प्रधान ने। ते बलजीत सिंह दादूवाल नूं सिर्फ कमेटी का इंटरनल कार्यकारी प्रधान बनाया गया सी ते हुण 41 मैंबरां दे विचों 33 साडे नाल ने। दूजे पासे बलजीत सिंह दादूवाल भी प्रधानगी ते हक जता रहे ने। उह कहिंदे ने कि कानूनी तौर ते कमेटी मैंबरां दे वल्लों चुणे जाण करके उह ही कमेटी दे प्रधान ने, हालांकि उन्होंने कोई बहुत ही खास टिप्पणी नहीं की है। पिछले दिनों के आप देखिया कि 2-3 वारी दोवें लीडर कट्ठे हुए ने, दोवां ने एकजुटता का प्रगटावा किया है। दादूवाल की मौजूदगी दे विच झींडा की प्रधानगी है जिहड़ी उसनू स्वीकार भी किया गया, पर हाले तक खिचोतान ही दिखाई दे रही है। जगदीश झींडा ने यह भी कहा कि उन्हां दी पार्लीमेंट तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ही है ते ओ ही रहेगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक स्टेट बॉडी है जिसनूं कानूनी मानता मिली है। सो रेड़का चल रहा है, हल की होना है शायद हरियाणा दी सरकार जानती है, क्योंकि पिछले दिनों दे विच कई वारी जगदीश झींडा कह भी चुके ने कि हरियाणा दे मुख्यमंत्री जां फिर हरियाणा दी सरकार आखिरी फैसला लवेगी। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसिस फरीदकोट के नवे VC की नियुक्ति का ऐलान अज होने की संभावना है। जानकारी मुताबिक पंजाब सरकार ने नवे वाइस चांसलर का नाम फाइनल कर लिया ते अज मुख्यमंत्री भगवंत मान ये ऐलान कर सकते हैं कि VC कौन होगा। सरकार ने VC के अहदे लई दरखास्तां की मंग की सी ते सूत्र दसदे ने कि 30 दे करीब डॉक्टर ने VC बनने लई अपलाई किया, जिस दे विच नामी डॉक्टर के नाम शामिल ने।
सरकार दे वलों कीते जाण वाले पराली दे प्रबंधन दे नाल जुड़ी हुई खबर है। सरकारी मोहलत मिलण करके कहिंदे खेती मशीनरी की खरीद रुक गई है। खेती मशीनरी निर्मातावां दा कहना है कि जदों तो सरकार ने किसानों नूं मशीनां खरीदण लई 14 दिन होर दे दित्ते ने, उदों तो किसान सुस्त पै गए ने, जिस करके मशीनरी की विक्री विच खड़ोत आ गई है। दूजे पासे किसान कहिंदे ने कि मशीनरी निर्मातावां दे कोल मंग मुताबिक मशीनरी नहीं तैयार हो रही। पंजाब सरकार ने सेंट्रल सैक्टर स्कीम CRM लागू की है, जिस तहत लाभपात्री किसान रजिस्टर्ड किसान ग्रुपां सहकारी सभावां FPO ते पंचायतों के कोलों पराली प्रबंधन के लिए खेती मशीनरी वास्ते दरखास्तां मंगियां सी। खेती महकमे कोल करीब 65,000 दरखास्तां पहुंचियां सी, जिहदे विचों 18,069 किसानां नूं तां मशीनरी के लिए मंजूरी जारी कर दिती है। इन्हां दे वल्लों 21,480 खेती मशीनां दी खरीद कीती जाणी सी, पर समां होर मिलण ते किसान कहिंदे सुस्त होण लगे ने। खेती मशीनरी निर्मातावां दा कहना है कि जिवें ही मशीनरी खरीदण दी आखरी तरीक नेड़े आऊगी, फिर किसानां दी भीड़ लग जूगी ते उदों हत्थों हत्थ इन्नी मशीनरी सप्लाई हो नहीं सकनी, इस करके किसानां नूं छेती कम नबेड़ लैणा चाहीदा। केंद्र सरकार ने हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल, मल्चर आदि खरीद दे लई सबसिडी भेजी है। सो किसान वध तों वध इस स्कीम दा फायदा लैण, सबसिडी दे तहत मशीनरी खरीदन ते पराली दा प्रबंध जरूर करन। होशियारपुर दे विच दल खालसा जथेबंदी दे वल्लों गुरद्वारा सिंह सभा रेलवे रोड दे विच कन्वेंशन दौरान मता पास करके पाकिस्तान सरकार नूं अपील की गई है कि भाई गजेंद्र सिंह नूं अपने मुल्क दे विच कानूनी ते सियासी पनाह दित्ती जावे। दल खालसा दे बुलारे परमजीत सिंह मंड अते कंवरपाल सिंह ने कहा कि उह आस करदे ने कि उहनां दा केस मनुखी अधिकारां दे आधार ते हां पक्षी नजरिए दे नाल विचारिया जावेगा। इस संबंधी जथेबंदी दे वल्लों पाकिस्तान सरकार नूं वी चिट्ठी लिखी जाऊगी। दल खालसा दे लीडरां ने भारत सरकार नूं वी अपील की है कि गजेंद्र सिंह खिलाफ कूड़ प्रचार ना किया जाए। इस कन्वेंशन तो बाद भाई गजेंद्र सिंह की कुर्बानी ते सिख संघर्ष विच पाए योगदान समर्पित शहर दे विच मार्च कढ़िया गया। पराली दे मुद्दे दरमियान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विद्यार्थियों ने एक जिम्मा चुकिया है। विद्यार्थी हुण पिंड पिंड जाके संदेश देणगे, पराली ना साड़न दा होका देणगे। इस संबंधी GNDU विच एक समागम होया। फैसला होया कि यूनिवर्सिटी दे विद्यार्थी पराली ना साड़न दे सुनेहे नूं पिंडां विच लैके जाणगे। आम लोकां खास करके किसानां नूं जागरूक करनगे कि पराली नूं साड़न नाल पंजाब दे वातावरण दा खतरनाक हद तक नुकसान हो रहा है। इस मौके पराली साड़न दे नुकसान ते पराली तों लए जाण वाले लाभां नूं दर्शाउंदी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज़ की गई। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कल नूं गुजरात दे विच लंबे समय तों संकट चल रहे पंजाबी किसानां दे नाल मुलाकात करनगे। मुख्यमंत्री मान 2 दिनां दौरे दे लई गुजरात जा रहे ने। हालांकि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी दे वल्लों चलाए जा रहे चोण प्रचार मिशन दे तहत जा रहे ने, पर ओह पंजाबी किसानां दे नाल वी मिलणगे। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे नाल वी इन्हां किसानां दी वक्खरे तौर ते मुलाकात हो सकदी है। गुजरात दे किसानां दा दर्द है कि पिछले कई सालां तों गुजरात दी हाकम धिर ने पंजाबी किसानां दे नक्क च दम कर रख्या। किते BJP दे लीडर पंजाब दे किसानां नूं धमकियां दिंदे ने ते कदे फसलां नूं अग ला दिंदे ने। गुजरात दे किसानां मुताबिक कानूनी लड़ाई वी ओह लड़ रहे ने ते हुण उहनां दी आस है जिहड़ी पंजाब अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री तों है। किसानों के मुताबिक गुजरात के ऐतकी दिसंबर में जिहड़ियां चोणां होण जा रहियां ने, विधानसभा चोणां, उन्हां दे विच मुख मुकाबला BJP ते आम आदमी पार्टी के विचाले ही लग रहा है, इस करके उन्हां नूं कुछ ना कुछ आस दिखाई दे रही है। पंजाब के किसान दरअसल दहाकियां तों भुज खेतर दे विच खेती कर रहे ने। मरहूम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब ते हरियाणा के किसानों नूं गुजरात विच जमीना अलॉट कीतियां सी। इन्हां किसानों ने गुजरात के पत्थर भन भन के बंजर जमीना नूं आबाद बनाया सी। लंबे समय तों गुजरात की हाकम धिर पंजाबी किसानां नूं तंग परेशान कर रही है। पंजाबी किसानां दे माल रिकॉर्ड दे विच वी रेड एंट्री पा दित्ती सी, जिस करके किसानां नूं कर्जे आदि लैण दे विच मुश्किल खड़ी हो गई सी ते जमीना दी मालकी दे हक्कां दा मामला हाले किसी भी तण पत्तण नहीं लग्या। हालांकि हाईकोर्ट ने किसानां दे हक विच फैसला सुनाया है, पर गुजरात सरकार ने इस फैसले नूं सुप्रीम कोर्ट च चुनौती दे दित्ती है। तलवाड़ा तों खबर है जिथे पिंड मैतापुर दे सरकारी जंगल दे विच नजायज़ कब्जे छुड़वाउण दे विच प्रशासन बेबस दिखाई दे रहा है। दरअसल जंगल दी 100 एकड़ जमीन ते नजायज़ कब्जा हो रखा है। पुलिस ने एक दर्जन दे खिलाफ केस भी दर्ज किए ने। इस दे बावजूद 2017-18 दे विच जंगलात विभाग वालों छुड़ाई जमीन ते नजायज़ कब्जा मुड़ कर लिया गया। सरकारी रुख भी वढ़ दिते गए ने, इस कदर जमीन माफिया सरगर्म है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ, ਪਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ।
इस इलाके दे विच कब्जाकारा ने पत्रकारा की एंट्री ते भी रोक ला रखी है। दरअसल जिहड़े कब्जाकार ने यह आम लोग ने इन्हां दे मुताबिक असी जमीन आबाद कीतियां ने ते हुण इन्हां जमीन ते साडा नजायज कब्जा दस्या जा रहा है। कांग्रेस के कौमी प्रधान की चोण के लिए नामजदगियों का अज आखिरी दिन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधान की चोण की दौड़ चो बाहर हो गए ने। इन्होंने कौमी प्रधान सोनिया गांधी तो माफ़ी भी मंगी है। राजस्थान के जो कुछ घटना क्रम वापरिया है, दिग्विजय सिंह ने नामजदगी पत्र ले लिया है। शशि थरूर ते दिग्विजय अज नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कल दिल्ली दे विच राजस्थान दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी सोनिया गांधी दे नाल मीटिंग तो बाद देर रात सचिन पायलट भी सोनिया गांधी नूं मिले ने। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क दीआं सारीआं व्याहियां ते कुआरीआं औरतां नूं गर्भपात दा हक दे दित्ता है। नियमां दा घेरा वधा दित्ता है। MTP एक्ट दे विच अणव्याहियां औरतां नूं भी शामिल कर लिया है। वकीलां कारकुनां ते सियासतदानां ने फैसले दा स्वागत कीता है। सेंटर सरकार ने अरबपति मुकेश अंबानी की सुरक्षा दे विच वादा करदे उस नूं सिखरले वर्ग की Z+ सुरक्षा दे दित्ती है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवा मुक्त अनिल चौहान अज मुल्क दे नवे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS दे वजों चार्ज सांभणगे। 26 नवंबर नूं बब्बर अकाली लहर दे 100 साला शताब्दी समागम गुरद्वारा चरण कंवल साहिब पातशाही छेवीं जिंदोवाल बंगा विखे करवाए जाणगे। समागम दीआं तैयारियां नूं लैके गुरद्वारा चरण कंवल साहिब जिंदोवाल बंगा दे विच वख-वख धार्मिक जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दी मीटिंग भाई मनधीर सिंह दी अगवाई दे विच होई। इस मौके पहुंचे वख-वख नुमाइंदियां ने कहा कि असीं बब्बर अकाली लहर दे शानां अते इतिहास नूं चेतियां चों विसार चुके हां ते इस महान इतिहास नूं साडे चेतियां चों भुलाउण दे लई समें दीआं सरकारां दी विशेष भूमिका रही है ते हुण साडा फर्ज़ बणदा है कि अजिहे समागम करवा के लोगों के चेत्या दे विच इस लहर के शहीदां सुरमियां नूं सुरजीत करिए तां जो जीवन ज्यौंदिआं सरबत दे भले लई उहनां दे जीवन तों प्रेरणा लैके योगदान पा सकीए। अज तो 100 साल पहला दुआबे दे सूरवीर योध्या ने बब्बर अकाली लहर शुरू की सी जिहदा निशाना गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार इत्थे एक हलेमी राज स्थापित करना जिन्हों सिख राज कहिंदे उह स्थापित करना सीगा। तो उन्होंने सूरवीर योध्या उन्होंने शहीदों की याद दे विच जदों 100 साल हो चलिया इस लहर की स्थापना हुई नूं उन्हों दा स्थापना दिहाड़ा मनाउण दे लई असीं दुआबे दीआं समूह जथेबंदियां दे वल्लों 26 नवंबर 2022 नूं गुरद्वारा चरण कमल साहिब पातशाही छेवीं जिंदोवाल विखे उन्हां दी याद दे विच एक गुरमत समागम कर रहे हैं जिस दे विच असीं उह शहीदां दे जिहड़े कारनामे सीगे और जो उन्हां दे आदर्श सीगे जो निशाने सीगे उह समुची संगत नूं दसण दे लई अज दी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ उहनूं दसण दे लई इत्थे एक समागम कर रहे हैं जिहदे विच असीं अपील करदे हां कि सारे पंथ दर्दी जिन्हें भी माई भाई हैगे आ उह 26 नवंबर 2022 नूं गुरद्वारा चरण कमल जिंदोवाल विखे पहुँचने की कृपालता करन। असीं इह प्रोग्राम पिछले साल 9 दसंबर तो शुरू किए सीगे जिहड़े असीं वख-वख जिहड़े बब्बरां दे विच मुखी सिंह होए आ खास करके इन्हां चार तहसीलों दे विच नवांशहर बलाचौर बंगा तथा गढ़शंकर उन्हां दे नगरां दे विच असीं पिछले एक साल तो समागम करदे आ रहे हां। तो यह उन्हां दा साल बाद जिहड़ा है मुख समागम होना। बुलारियां दे विच असीं विद्वान तय कीते ने दो प्रिंसीपल कमलजीत सिंह जी जिहड़े खडूर साहब कॉलेज दे प्रिंसीपल ने ते डॉक्टर सेवक सिंह 10 बजे सवेरे तो लैके 2 बजे बाद दोपहर तक समागम होएगा। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच कुछ होर खबरां विस्तार दे नाल। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार नूं अहम फैसला सुनाउंदे होए कहा है कि MTP यानी कि गर्भ दी मेडिकल समाप्ति एक्ट दे तहत व्याहियां होईयां जां फिर कुआरियां औरतां नूं गर्भ दे 24 हफ्तियां तक सुरक्षित अते कानूनी ढंग दे नाल अबॉर्शन करन दा अधिकार है यानी कि गर्भपात करवाउण दा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने वड्डा फैसला सुनाया है। इस दी डिटेल दे विच जानकारी असीं इक वक्खरी रिपोर्ट दे विच देवांगे। हुण विधान सभा दे सैशन दे दूसरे दिन दी गल करदे आं। सब तो पहला यही सवाल मन दे विच आउंदा है कि की यही सब ड्रामे करन दी खातर सैशन 3 अक्तूबर तक वधाया गया सी क्योंकि रौला रप्पा दूसरे दिन भी पैंदा रहा। पंजाब विधानसभा दा सैशन शुरू होया तां कांग्रेसी विधायक यानी कि सारी जिहड़ी विरोधी धिर है उह सूबे दे बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी दे खिलाफ नारे लिखे चोले पा के सदन दे विच पहुंची। कांग्रेस विधायक दल दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने मंग कीती कि इस मंत्री नूं मंत्री मंडल चों बरखास्त कीता जावे क्योंकि मंत्री दी इक ऑडियो वायरल होई सी भ्रिष्टाचार दे मामले नूं लैके ऑडियो वायरल होई सी जिस तों पता लगदा है कि मंत्री भ्रिष्टाचारी है। नाल ही
ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲਗਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਦੇ ਅੰਨਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬੋਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਤਿਣਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਢਕਾਰ ਗਏ ਸਨ? ਸੋ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਾਫੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖਾੜੇ ਹੋਣ।
सो किते ना किते अज सानू पंजाब दे हक्कां दी गल करन दी लोड़ है, पंजाब दे नाल खड़न दी लोड़ है, पंजाब दी जवानी दे नाल खड़न दी लोड़ है। रौले रप्पे दरमियान विधानसभा दे विच बेअदबी दा मुद्दा भी गूंजिया। साबका पुलिस अफसर ते विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अकाली बीजेपी ते कांग्रेस सरकारां समेत अपनी सरकार ते भी ढिल्ली कारवाई करन दे इल्जाम लाए। दावा किया कि LK यादव वाली सिट ने सुखबीर सिंह बादल नूं कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ चाह पानी पिया के भेज दिता। नाल ही उन्होंने LK यादव की योग्यता नूं लांबे करके सिट मुखी लाए जाण ते भी सवाल चुके। दावा किया कि हाईकोर्ट के वलों खारिज की गई उन्हां दी जांच रिपोर्ट बिल्कुल सही है, रिपोर्ट नूं पंजाब सरकार की सहमति नाल कहिंदे रद्द किया गया सी। कई वड्डे खुलासे उन्होंने किए हैं ते इह वी दस्सिया कि हाईकोर्ट के जिहड़ा जांच रिपोर्ट रद्द करन दे फैसले के खिलाफ भी उन्होंने पटीशन पाई हुई है ते कहिंदे हुण मौजूदा पंजाब सरकार नूं चाहिए कि इस पासे वल ध्यान दे के सरकार खुद अगे हो के इह केस लड़े। मानयोग स्पीकर साहब, जो LK यादव की SIT बनाई गई, सारे लोगों को यह पता है कि LK यादव नू हाई कोर्ट ने लगाया सी, हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है LK यादव नू। तुसी देखोगे LK यादव IG रैंक का अफसर हुंदा सी, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर सी कि ADGP रैंक का अफसर लगाना है। उस वेले जो इन्हों का ग्रेडेशन लिस्ट है IPS का 35 तो उपर अफसर सीगे, जो ADGP जा उस तो उपर सीगे। हुण स्पीकर साहब, 4 मई नू 8 अफसरां दी ब्रीफ कर लो प्रमोशन की जाती है। 8 अफसरां दा प्रमोशन हुंदा है, उस दे विच 8वें नंबर ते LK यादव है और LK यादव नू सिट दा मुखी बनाया जा रहा है। इट मीन्स LK यादव नूं प्रमोशन दे के ADGP बना के सिट दा मुखी लगाया जा रहा है। तुसी सोच सकते हो एक काम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी सरकार ने कीती सी, तुसी समझ सकते हो कि एक काम क्यों किया गया। भगवंत मान ने खुद मोर्चा सांभिया है अते कहा कि हवाई अड्डे दे नाम ते बेलोड़ा रौला ना पाया जावे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साडी सरकार दे अणथक यतना सदका कौमांतरी हवाई अड्डे दा नाम शहीद भगत सिंह दे नाम ते रख्या गया। इस वास्ते इन्हां लीडरां नूं विरोधी लीडरां नूं धीरज रखना चाहिदा है, क्योंकि हवाई अड्डे संबंधी रहिंदे सारे मसले भी जल्दी हल कीते जाणगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह दी विचारधारा ही देश दीआं दरपेश सारीआं समस्यावां दा हल है। उह नेड़ले पिंड संगरूर नेड़ले पिंड घराचों दे विच शहीद भगत सिंह अवेयरनैस क्लब घराचों दे वल्लों करवाए गए इक शाम शहीदां दे नाम समागम दे विच बोल रहे सन। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सूबा सरकार शहीद भगत सिंह ते होर महान आजादी घुलाटियां दे सुपनिआं नूं पूरा करन दे लई पहला ही हर संभव यतन कर रही है। मोहाली वाले एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया जी। ये फेर आ गए हुण, मैं कदे मैनूं कदे आया सी आ कुत्ते नूं तुरदे वाले नुक्स कढ़ने वाले। भगवंत मान ने तो जी चंडीगढ़ रखा था नाम, मालिकन रखे च मैं उन्होंने कहना चाहना सबर कर लो, जे 6 महीनों च भगवंत मान ये कुछ कर सकता है, अगले 4 महीनों च इस एयरपोर्ट के नाँ च मोहाली भी होगा। पहला मन उन्होंने मना तो लीए, कम तो लीए बड़िया के, अपने कहते नहीं बड़िया के कम लो, भी लो कम बई, आपां नूं की हर्ज है। जे कोई फैक्ट्री वाला कहिंदा है जी मेरा नाम आ रखना मैं, पर मैं 2000 बंदे नूं नौकरी दूंगा, मैं कहूंगा रख ला, पर मैनूं नौकरी दे, मेरे मेरे जवाकां नूं, मेरे नौजवान वीरां नूं, मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां दे। नौकरियां कदों आउंदियां ने? जदों इंडस्ट्री आउंदी है। इंडस्ट्री कदों आउंदी है? जदों स्टेट दे विच इक विश्वास पात्र सरकार बन जांदी है लोकां दी, जदों लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्रोल च हुंदा है, उदों उदों इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी उदों पैसा लाउंदा है कि मेरा पैसा डुब ना जावे, इत्थे तां बहुत खतरा है ना। खुशी दी गल इह है, टाटा स्टील आ रहा है लुधियाने,
जमशेदपुर तो बाद इंडिया का दूजा सब तो वड्डा नशा तस्करां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई करदे हुए सीबीआई ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ते कई सूबयां दी पुलिस दे नाल मिलके एक मुहिम चलाई जिस तहत 175 जणां नूं गिरफ्तार किया गया ते भारी मात्रा दे विच नशीले पदार्थ बरामद किए गए ने। अधिकारियों ने दस्सिया कि हफ्ते की शुरुआत दे विच शुरू होए आपरेशन गरुड दे विच इंटरपोल भी शामिल सी। इस तहत सीबीआई एनसीबी ते सूबयां दी पुलिस ने हुण तक 127 केस दर्ज किए ने। देशव्यापी कार्रवाई दे विच पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली ते मणिपुर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। वक् वक् थावां तों वड्डी मात्रा दे विच नशीलियां दवाईयां नशीलियां वस्तुआं भी बरामद कीतियां गईयां ने। पंजाब पुलिस दी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने वड्डी सफलता हासिल करदिआं शार्प शूटर नीरज चस्का नूं दबोच लिया है। नीरज बंबीहा गैंग दा शार्प शूटर है। गैंगस्टर नीरज कतल दीआं 7 वारदातां दे विच लोड़ींदा सी। एजीटीएफ दी टीम दे वल्लों गैंगस्टर नीरज तों पुछगिछ कीती जा रही है तां जो उसदे नैटवर्क दे नाल जुड़े हुए होर शूटरां दा पता लाया जा सके। नीरज चस्का के खिलाफ पंजाब समेत हरियाणा दिल्ली ते यूपी दे विच कई मामले दर्ज सन ते इस गिरफ्तारी तो बाद बंबीहा ग्रुप ने सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के पंजाब पुलिस नूं चेतावनी दित्ती है कि पंजाब पुलिस नूं नीरज की गिरफ्तारी दे गंभीर नतीजे भुगतने पैणगे। पंजाब पुलिस नूं अज एक वड्डी सफलता प्राप्त हुई जदों की एजीटीएफ दी टीम ने एक इंटेलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन दे विच जम्मू तो नीरज चस्का जिहड़ा कि देवेंद्र बंबीहा गैंग दा मेन शूटर सी गिरफ्तार कीता है। यह मैं दसना चाहवांगा कि गौरव पटियाल जो कि इन्हों का मेन हैंडलर हैगा बंबीहा ग्रुप का ते प्लैनर हैगा उस दे नाल नीरज कंटीन्यूअसली इन टच सीगा ते जिहड़ा अक्टूबर 2020 दे विच मर्डर होया सी सोपू प्रेसिडेंट गुरलाल बराड़ का उसका मेन शूटर सी। इस शूटआउट तो बाद ही लॉरेंस बिश्नोई और बंबीहा ग्रुप दे विच इंटरगैंग राइवलरी शुरू हो गई सी। सो पंजाब नूं क्राइम फ्री ते ड्रग्स फ्री बनाने का जिहड़ा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी का विजन है उसकी प्राप्ति दे विच एक अज वड्डी उपलब्धि प्राप्त हुई है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नूं लुधियाना कोर्ट दे विच पेश कीता गया। मामला पुराना है अन्नेवा गोलियां चला के कतल करन दा। लॉरेंस बिश्नोई नूं बठिंडा जेल तो ट्रांजिट रिमांड ते लुधियाना लियांदा गया। अदालत ने 12 अक्तूबर तक लॉरेंस नूं पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। एसीपी गुरदेव सिंह ने दस्सिया कि 12 अक्तूबर नूं लॉरेंस नूं मुड़ अदालत विच पेश कीता जाऊगा। पंजाब दे तरन तारण जिले तो बाद जलंधर जिले दे विच चर्च विच भन तोड़ दी घटना वापरन दा इल्जाम ईसाई भाईचारे ने लाया है। मकसूदा अधीन पेंदे पिंड नंदनपुर दे विच कुछ शरारती अंसरां ने चर्च ते हमला करके भनतोड़ कीती। इस घटना तो बाद पिंड दे विच तनाव दा माहौल बन गया। सूचना मिलदे ही ईसाई भाईचारे दे लोक इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि चर्चां ते हमले सोची समझी चाल ते साजिशां तहत करवाए जा रहे ने। जे चर्चां ते हमलिआं दीआं घटनावां ते रोक ना लाई गई तां वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन कीते जाणगे। मौके ते पहुंची पुलिस ने अणपछाते शरारती अंसरां दे खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दित्ती है। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਖਿਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ 12-10 ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ 12-10 ਤੱਕ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। कांग्रेस ने गैर कानूनी माइनिंग के मुद्दे से भगवंत मान सरकार नूं घेरिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने दावा किया कि पंजाब दे विच पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी माइनिंग हो रही है। पंजाब सरकार दे कोल रेते का भी कोई स्टॉक नहीं है पर रेता वेचण दीआं जनतक सूचनावां दे के सरकार लोगों नूं बेवकूफ बना रही है। वड़िंग ने कहा कि चोणां तों पहलां अरविंद केजरीवाल सिर्फ रेता बजरी तों 20,000 करोड़ रुपये कमाउण दा दावा करदे सी। हुण जदों आप दी सरकार नूं बणे 6 महीने हो गए ने तां केजरीवाल सिर्फ 10,000 करोड़ दा ही बनता हिसाब दे दिन। राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति है कि झूठ नूं 100 वारी बोलो जिस करके लोगों नूं सच लगन लग पैंदा है। पंजाब सरकार की नवी क्रशर नीति ते भी वड़िंग ने सवाल चुके ने कि इहदे विच नियमां दी उलंघना की गई है। ठगी मारन वास्ते राह खुला रखा गया। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री अते बीजेपी लीडर बन चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी दे विच जाण बारे एक चैनल दे नाल इंटरव्यू दिंदे हुए कहा कि बीजेपी दे विच जाणा मेरी कोई मजबूरी नहीं सी। बीजेपी दे वाहवा सोले गाउंदिआं कैप्टन ने कहा कि सारा भारत ही बीजेपी है। ऑपरेशन लोटस दे नां हेठ बीजेपी नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जा रही है। किसानां दी कर्जा माफी बारे पुछे गए सवाल ते कैप्टन ने कहा कि हिंदुस्तान दी कोई भी अजिही सरकार नहीं है जो किसानां दा सारा कर्जा माफ कर देवे। एक वड्डा विवादित बयान भी दे गए ने कैप्टन साहब। कहिंदे किसान जथेबंदियां नूं समझा के खेती कानून बनाए जा सकदे ने, इन्हां ते विचार चर्चा कीती जा सकदी है। कैप्टन ने दस्सिया कि माइनिंग दे विच भ्रिष्ट अफसरां दे नावां दी उन्हां दे कोले कोई फाइल नहीं है, उह सिर्फ इक पेपर सी। उहदे विच किन्ने नाम सन इह वी कहिंदे मैनूं
ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਤਰਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਵਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 95% ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਭਾਈ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
मानता देने दे विरुद्ध भारत सरकार वालों रिव्यू पटीशन पाने की मांग की है कि जिहड़ा हरियाणे की कमेटी के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस दे खिलाफ भारत सरकार रिव्यू पटीशन पावे यह मांग की है। प्रधान ने गृहमंत्री नूं लिखी चिट्ठी दे विच प्रधान ने कहा कि सिख गुरद्वारा एक्ट 1925 विच किसी तरह की सोध का अधिकार श्रोमणी कमेटी दी सिफारिशां दे नाल केवल भारत सरकार दे कोल है। इस एक्ट दे विच सूबा सरकारां दखल नहीं दे सकदियां। हरियाणा सरकार दे वल्लों वक्री गुरद्वारा कमेटी संबंधी बनाया गया एक्ट गैर संविधानिक है, इसकी मानता तुरंत रद्द होनी चाहिए। श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर ते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने देश दी वख-वख जेलां दे विच बंद लंबे समय तो बंद बंदी सिंघां दी रिहाई की मुड़ मंग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह नूं अपील की है कि वह भाई बलवंत सिंह राजवाणा की फांसी की सजा नूं उम्र कैद विच बदल के उन्होंने कैद विचों रिहाई का राह पद्धरा करके जख्मां ते मलम लाउण दा काम करन। 30 सितंबर नूं इस मामले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई भी होण जा रही है। उस इंसीडेंट तो बाद 27 सालां च कि शिकायत आई है भाई बलवंत सिंह राजवाणा साहब की? कुछ शिकायत आई गुड कंडक्ट का हमेशा ही उन्हों का जेल तो पता लग्या कि कदे भी कोई यह जिहा कंडक्ट सामने नहीं आया। सो इस नूं किसी सियासत दे भेट ना चढ़े मगर पंजाबियों की भावनावां नूं मुख रखदिया गुरु नानक नाम लेवा इंसानियत नूं मुख रखदिया होया इन्हां दी मैं आस करदा उम्मीद करदा कि इन्हां दी जिहड़ी डैथ सेंटेंस नूं कम्यूट करके उन्हां नूं रिलीज दा काम सरकार जल्द और तुरंत अपने वायदे तहत। साबका विदेश राज मंत्री ते पटियाला तो संसद मैंबर प्रनीत कौर ने समाणा दे पिंड भेड़पुरा विखे धरनाकारी अप्रेंटिस लाइनमैना दे नाल मुलाकात कीती। धरनाकारी नौजवान पिछले 11 दिनां तो भगवंत मान दी अगवाई वाली सरकार दे खिलाफ भुख हड़ताल ते बैठे हुए ने ते कई जणे खतरनाक जिहड़ा इत्थे टावर है बिजली दा वड्डा टावर है उस ते वी चढ़े हुए ने। प्रनीत कौर ने प्रदर्शनकारियां दे विचों इक राकेश दे नाल वी गल्लबात कीती जिहड़ा टावर दे उत्ते चढ़िया होया खराब मौसम दा सामना कर रिहा। प्रनीत कौर ने आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं लाइनमैनां दीआं समस्यावां दा हल करन दी मंग भी कीती। पूरे भारत दे विच 1 अक्तूबर 2023 तों यात्री कारां दे विच 6 एयरबैग दा नियम लागू कीता जाएगा। सड़की आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दित्ती। उन्होंने कहा कि आटो इंडस्ट्री सप्लाई चेन की समस्या का सामना कर रही है इस करके यह फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक होर ट्वीट किया ते लिखा कि किसी भी यात्री वाहन दे विच यात्रा करन वाले सारे यात्रियों की सुरक्षा सब तो पहली तरजीह है भावें कीमत अते रूप है जड़ा वो कुछ भी होवे गड्डी दा पर ये जड़े 6 एयरबैग नियम है लागू हो जाएगा 1 अक्तूबर 2023 तो। मोदी सरकार ने 2015-16 दे विच अटल पेंशन योजना शुरू की थी। इस स्कीम दे विच निवेश करके लोग अपना भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। रिटायरमेंट तो बाद 5000 रुपये तक की महीनावार पेंशन है जी मिल सकती है। हुण सरकार ने स्कीम दे विच वड्डे बदलाव करन दा ऐलान किया है। 1 अक्तूबर तो बाद इनकम टैक्स जमा करन वाले लोग इस स्कीम दे विच निवेश नहीं कर सकणगे। सो जे तुसी भी इनकम टैक्स का भुगतान करते हो तो इस स्कीम दे लई तुसी सिर्फ 29 ते 30 सितंबर नूं ही अप्लाई कर सकते हो। 2 दिन बाद तुसी स्कीम का लाभ नहीं लै सकोगे जिहड़े कि ITR भरदे हो। सोने ते चांदी दे भाव दे विच लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। MCX ते सोने दीआं कीमतां दे विच गिरावट वीरवार नूं भी जारी रही। सोने की कीमत 50,000 दे पद्धर ते कारोबार कर रही है। सोने दीआं कीमतां दे विच 0.33% दी गिरावट तो बाद हुण 50,014 प्रति 10 ग्राम दे पद्धर ते सोना पहुंच गया है यानी कि 1 तोला 50,014 रुपये का हो गया। चांदी के भाव के विच भी लगातार गिरावट आ रही है। MCX से चांदी 0.42% की गिरावट नाल 56,260 रुपये प्रति किलोग्राम के पद्धर से चल रही है। हादसों के नाल जुड़िया कुछ वड्डिया खबर थोनों दस दें। जम्मू कश्मीर तो खबर है जिथे उधमपुर शहर के बस स्टैंड से खड़ी एक बस के धमाका हो गया। हालांकि धमाके के किसी की भी जख्मी होने की खबर नहीं है, राहत मिली है। दसिया सूत्रां ने कि कुछ ही घंटिया के फर्क दे विच शहर दे विच 2 धमाके होने तो बाद सुरक्षा एजेंसियां ने हाई अलर्ट जारी कर दिता है। तड़के तड़के वीरवार नूं सवेरे करीब 5:40 ते धमाका होया। इह घटनावां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दे 4 अक्तूबर तो शुरू होने वाले दौरे तो कुछ दिन पहला होईयां ने। अमरीका के न्यूयॉर्क तो खबर है जिथे उबर हाइट्स के लिए डिलीवरी का काम करने वाले एक भारतीय अमरीकी व्यक्ति से तेजधार हथियारों के नाल कई वारी हमला किया गया। मीडिया के विच जानकारी दित्ती गई है कि हमलावर का अपराधिक पिछोकड़ रहा है ते 100 तों वध वारी गिरफ्तार हो चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक मंगलवार को न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड विखे भरतभाई पटेल से तेजधार हथियार के नाल हमला किया गया। पीड़ित व्यक्ति ने अखबार को दसिया कि मुलजम ने बिना कुछ कहे सीधा आके हमला कर दिता, आस पास खड़े लोगों को कुछ नहीं कहा।
किसी ने कहिंदे उहदी मदद भी नहीं की। 36 वरियां दा नौजवान है, 6 साला बच्चे का पिता है। पीड़ित जिहड़ा नौजवान है, हमलावर की पछाण सियान कपूर वजो हुई है। पुलिस ने इस नूं गिरफ्तार कर लिया। पंजाब दे लहरा गागा तो खबर है जिथे सप्प दे डंगण कारण एक लड़की की मौत हो गई है। वार्ड नंबर 8 की रहने वाली एक गरीब परिवार की धी मोनिका की जहरीले सप्प दे डंगे जाण कारण मौत हुई है। मृतक लड़की की माता सुमन राणी ते पिता मक्खण सिंह नगर कौंसल दे विच कच्चे सफाई सेवक मोनिका भी लोगों के घर काम करती सी। जो अपने कच्चे घर सफाई कर रही थी सप्प ने डस लिया ते बच्ची की मौत हो गई। पंजाब दे अमलोह तो खबर है जिथे पिंड बड गुजरां तो पिछले 3-4 दिनों तो लापता सरपंच की मृतक दे खन्ना दे रेलवे स्टेशन से स्थित रेलवे ट्रैक से खून नाल लथपथ हालत में मिली है। खन्ना पुलिस ने लाश को कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लिए सिविल हस्पताल भेज दिता। मृतक की पछाण सरपंच बलकार सिंह वजो हुई है। मृतक के भरा भीम सिंह ते उसके दो पुत्रां ने दस्सिया कि बुधवार सवेरे जदों उन्हां नूं खन्ना तो सरपंच बलकार सिंह बारे फोन आया तो उन्होंने जाके पछाण की। परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि पिछले कई दिनों तो पिंड के 4-5 व्यक्तियों तो बलकार सिंह परेशान सी। एक फोन रिकॉर्डिंग अते सुसाइड नोट दे विच बलकार सिंह ने पिंड के कुछ लोगों का जिक्र किया जिहड़े बहुत तंग करते। भीम सिंह ने दस्सिया कि इन्हां बंदियां ने उसके भरा सरपंच भरा नूं धमकी दित्ती सी कि उन्हूं छड्डणगे नहीं ते पिछले कई दिनों तो दुखी सी। भरा फिर लापता भी सी, रेलवे ट्रैक ते लगदा है कि खुदकुशी कर ली है। ते सरपंच बलकार सिंह दी खुदकुशी तो बाद पंचायत अफसर समेत 10 जणां दे खिलाफ केस दर्ज किया गया। पिंड वासियां ने नैशनल हाईवे जाम किया, फिर पुलिस हरकत दे विच आई ते केस दर्ज किया गया। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां। धन्नवाद।